जमीन की रजिस्ट्री आपको जमीन वहां से नहीं मिलती। रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड जिसको रजिस्ट्री बोलते हैं ये फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है। इस हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद हम जमीन के मालिक बनते हैं जिसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। हालांकि ये भी फाइनल नहीं है, ये फाइनल इसलिए नहीं है कि कल को कोई ऐसा आदमी। हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। राजवंत सिंह वाली आज का टॉपिक आम ही टॉपिक है, बहुत स्पेशल नहीं है। जमीन की रजिस्ट्री आपको जमीन वहां से नहीं कराती। भाई ये आप कहोगे ये कौन सा बात होगी कि जमीन की रजिस्ट्री हमने करवा दी, हम मालिक नहीं बनते। नहीं दोस्तों, जमीन की रजिस्ट्री फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड जिसको रजिस्ट्री बोलते हैं ये फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है। इसके बाद भी हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद हम जमीन के मालिक बनते हैं जिसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन म्यूटेशन या इंतकाल या इसको दाखिल खारिज भी बोलते हैं, नामांतरण भी बोलते हैं। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक आप जमीन के मालिक नहीं बन सकते। हालांकि ये भी फाइनल नहीं है, ये फाइनल इसलिए नहीं है कि कल को कोई ऐसा आदमी रजिस्ट्री करवा दे जो आदमी मालिक ना हो, या कोई गलत डॉक्यूमेंट के साथ रजिस्ट्री करवा दे और कोर्ट में चैलेंज हो जाए, प्रूव हो जाए कि गलत आदमी ने रजिस्ट्री कराई है, गलत डॉक्यूमेंटेशन के साथ कराई है, तो ये डेफिनेटली म्यूटेशन भी कैंसिल हो जाता है। तो म्यूटेशन जो है फाइनल डॉक्यूमेंट जो है उसको हम मान सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके ये भी फेल होते हुए देखा है। मैंने अवतार सिंह की हिस्ट्री बताई थी कि उसका इंतकाल, उसकी जमीन उसने खरीदी 2.5 करोड़ रुपए की और जमीन खरीदने के बाद उसका इंतकाल ही नहीं चढ़ा। जब ये साबित हो गया कि जो पिछले वाली रजिस्ट्री है वो मालिक इंग्लैंड या अमेरिका कहीं रहता था, वो रजिस्ट्री करवाने नहीं आया, ये बात साबित होगी तो पीछे वाली सब रजिस्ट्री और इंतकाल भी खत्म हो गए, इंतकाल भी सब कैंसिल हो गए। तो हमने इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी रजिस्ट्री जब हमारी होती है, बंदा सही है, कागज सही है, यदि जनरल पावर अटॉर्नी है वो सही है, यदि वो सारा कुछ सही है तो रजिस्ट्री करवा सकते हो। तो रजिस्ट्री के बाद फिर म्यूटेशन, म्यूटेशन करवाना फिर नहीं बोलना, जो म्यूटेशन है ये करवाना नहीं बोलना, इसको इंतकाल भी कहते हैं, दाखिल खारिज भी कहते हैं। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक आप जमीन के मालिक नहीं बनोगे। बनूड़ वाला केस और लखनौर गांव मोहाली के पास ये केस मैंने दो बार बहुत बार डिस्कस किया है कि इनके मालिकों ने 1981 में रजिस्ट्री करवाई थी और रजिस्ट्री करवाने के बाद म्यूटेशन नहीं करवाया, ये जमीन पिछले मालिकों के नाम पे रही। जब पुड्डा ने, हमारे गमाडा जो है पुड्डा ने अक्वायर की जमीन, तो अक्वायर के बाद जो पेमेंट है वो पिछली पार्टी को मिल गई। और उसके बाद फिर मैंने एक जो जब मैंने किताब प्रॉपर्टी गुरु लिखी, वहां पर अलीगढ़ का एक केस आता था, तो वो लेडी ने, लेडी मेरे को फोन करके बोलती थी कि हमने जमीन तो खरीद ली लेकिन हमारा म्यूटेशन नहीं होने की वजह से जमीन अक्वायर होगी, रोड में आ गई और जो रोड वालों ने पैसे जमीन को जो पिछले मालिक को नाम पे चेक कर दिया, क्योंकि उसका इंतकाल ही नहीं करवाया, उन्होंने दाखिल खारिज ही नहीं करवाया। गवर्नमेंट ने तो ये देखना है कि किसके नाम पे खड़ी है, यदि तुम्हारा पिछले मालिक के नाम पे जमीन खड़ी रहेगी तो डेफिनेटली वो पिछला मालिक को ही मालिक मानेंगी, जब तक आप उसके कागज पत्र देके उसको अपने नाम पे नहीं करवा लेते। कई सज्जन ये कहते हैं कि ये तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है, ठीक है भाई गवर्नमेंट की ड्यूटी है, यदि क्लरिकल मिस्टेक होके आपका नुकसान हो जाएगा तो फिर क्या करोगे। जिस दिन आप रजिस्ट्री करवाते हो उसी दिन उसकी फोटोकॉपी करवाओ, फोटोकॉपी करवा के तलाड़ी के पास, पटवारी के पास, जो भी अधिकारी है उसको दे के आओ और अपना इंतकाल अपने सामने दर्ज करवा के आओ, फिर उसका जाके चेक करो दर्ज होने के बाद कि वो इंतकाल मंजूर हो गया कि नहीं हो गया। यदि वो नहीं मंजूर हुआ तो उसको थोड़ा सा फॉलोअप करो, जब तुम्हारे नाम पे इंतकाल हो जाए तो यह समझो कि तुम्हारा प्रोसेस जो सेल का प्रोसेस है वो पूरा हो गया। इसलिए यह जो आज की वीडियो है इसीलिए मैंने बनाई है कि जमीन की रजिस्ट्री करवाने को आपने फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं समझना। यहां पर आके लोग बहुत ज्यादा लोग गड़बड़ करते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड इज नॉट द फाइनल डॉक्यूमेंट, म्यूटेशन जो है लास्ट प्रोसेस म्यूटेशन है। भाई म्यूटेशन जब तक नहीं होगा तब तक आपकी जमीन आपके नाम पे नहीं होगी,
तो म्यूटेशन करवाना कभी ना बोले। आज के लिए इतने, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और इसके ऊपर चर्चा करना। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा, तब तक चैनल के साथ बने रहे, सीखते जाए, पढ़ते जाए और आगे बढ़ते जाए। थैंक यू वेरी मच।